हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अवर एक्सरसाइज 10.3 एंड डन टिल द क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड अवर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.3। ठीक है ना, फ्रॉम एक्सरसाइज 10.3 let's begin with the very first question of today's lecture, that is question number 7 of exercise 10.3। evaluate the product लिखा हुआ है। सारी बातें जितनी मैं करता आ रहा हूँ आपसे वो सारी आनी चाहिए आपको, क्योंकि वही बार बार इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं का हो रहा है। ठीक है ना, डॉट 2a वैक्टर प्लस 7b वैक्टर ऐसा लिखा गया है। ठीक है, डॉट का साइन इनके बीच में। पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए वेक्टर क्या है क्या नहीं है, सब समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, सब हर बात जो क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेकर अपने साथ आ रहा है। तो जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक आगे मत बढ़ना मीनिंग, और मैं पूरा समझा रहा हूँ उसे समझते रहना ध्यान से। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में से वेक्टर आएगा, वेक्टर प्लस वेक्टर होगा, वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करने के लिए कहा गया है हमसे। करने का तरीका ये होता है कि अगर आई जे के की फॉर्म में दी होते, कोरस्पॉन्डिंग का कोरस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई होता, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। अभी आप नहीं जानते कि ए वेक्टर के अंदर आई जे के कहाँ मौजूद है। आपको इसे नॉर्मली ओपन कर रहा है जैसा कि करना होता है हमेशा। जैसे क्या, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का फर्स्ट, जो नॉर्मल करते थे आप 6-7 क्लास में अलजेब्रा, वही लगाइए। 3a का उसके साथ करना है तो स्केलर तो सीधे मल्टीप्लाई, चलिए लिख देता हूं पहले आपके लिए समझाने के लिए। ऐसे कर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एक बार तो इसके साथ, और माइनस का 5b वेक्टर लिखकर इसका डॉट करना है इसके साथ, इसके साथ ऐसे। ठीक है, 3 2 कितना देगा, 6a डॉट a, तो इसे ऐसे लिख देता हूँ, a वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, 3 का 7 के साथ सीधे कर लीजिए, स्केलर का 21a डॉट b हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा समझते हुए चलना। ठीक है ना, पूरी बात। माइनस 5 2 तो 10 हो जाएगा, b वेक्टर डॉट a वेक्टर ये हो जाएगा। माइनस का 5 इंटू 7 माइनस का 35 हो जाएगा, लेकिन ये b वेक्टर उस b वेक्टर के साथ डॉट देगा तो ऐसा बना देगा कि नहीं बना देगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे, a डॉट a का आंसर आप आराम से जानते हैं, एक बार ऐसे हल्के से मैं बता देता हूँ। a वेक्टर क्या होगा, ये a डॉट b वाली बात हो रही है ना, हम सब जानते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट, a b cos ऑफ थीटा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, है ना। वैसे ही आप देखिए b के प्लेस पे भी a आ गया, हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ a cos ऑफ एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही जैसे वेक्टर हैं, एक ही है तो दूसरा भी वही, मतलब तो खुद के साथ खुद का एंगल 0 डिग्री। मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ a ऑफ स्क्वायर बोल देते हैं, कोई कुछ सिर्फ a स्क्वायर बोल दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस ऑफ 0 का आंसर 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब से याद रहेगा, अब से हो सकता है कभी कोई इसे डायरेक्ट भी लिख ले तो आप समझ जाएंगे क्यों लिखा गया। तो स्टूडेंट इसका मतलब हो गया 6 मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी माइनस 10 बी ए वैक्टर है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये होता है तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ a cos ऑफ थीटा, है ना। आप देखकर ही बोल सकते हैं ऊपर से कि मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ a क्या क्या मतलब है, इसका मॉडुलस इंटू उसका मॉडुलस, जैसे ये 2 इंटू 3 तो वो 3 इंटू 2 होगा, फिर तो बात तो एक ही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर b डॉट वेक्टर a, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर्स फॉलोज कम्यूटेटिव रूल। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो मुझे बताइए उसके आगे की स्टोरी ना, जो ये दो चीजें लिखी हुई है मैं यहाँ लिख रहा हूँ आराम से। माइनस 10b है जो मैं उसे माइनस का 10a डॉट b कह दिया मैंने, क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ पे भी a डॉट b है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कर दें, वरना डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं b डॉट a डॉट b एक ही बात है। समझाया आपको। तो स्टूडेंट्स माइनस का 35b डॉट b आएगा, वो भी इसी प्रोसीजर से फॉलो होगा, और b वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर जैसे मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर था। स्टोरी पूरी क्लियर है। ये इवेल्युएट करना था, ये दोनों तो आपस में इवेल्युएट हो सकते हैं, क्योंकि 21 टाइम्स a डॉट b तो ये माइनस 10 टाइम्स a डॉट b, तो इन पहले ऊपर आई चीज को लिखा मैंने इसको, तो ये तो 6 ऑफ मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर है, ये 21 माइनस 10 कितना हो गया 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये हो गया माइनस 35 ऑफ मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर, इतना। ठीक है ना, अब इससे ज्यादा आंसर आप नहीं निकाल सकते, इतना ही रहने देना, इसे समझ में आ रही है बात, इतना ही से रहने देना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर था 7। एक बार मैं फटाफट देख लेता हूँ किस फॉर्मेट में इन्होंने इसको आंसर को रखा हुआ है, बाकी फिर मैं आगे समझ जाऊंगा ना कि बार बार ऐसे ही करना है। ठीक है, वेट फॉर सेकेंड। 10.3 और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा है, 7 ना, 7 क्वेश्चन है 6a। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही रखा है जैसे कि है, बस ये तो यही आपका रिजल्ट है। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही है ना पूरी पूरी बात है, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर हमें मिल जाता, मतलब इनका मॉडुलस मिल जाता तो हम काम कर लेते, क्वाइट इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी था। अभी देखते हैं स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ, आराम से समझते हुए चलते रहो सारी बातें। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन हर क्वेश्चन में सेंस जब तक नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा तब तक फिर इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। लिखा हुआ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूरी पूरी तरह से समझ में आना चाहिए तभी आंसर में आगे बढ़ना, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि आंसर क्या है उसको देखने, नहीं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आंसर का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। फिर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब हमें ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स एंड, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड, इतनी कंडीशन है कि दोनों है तो जो भी है लेकिन है इक्वल। अब ये पता नहीं कि कितना है, यानी एक पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल गया, इसका मतलब ये भी हुआ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अगर मैं इनके एंगल को, बीच के एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो 60 डिग्री गिवन है, बोला गया है एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इतना, यानी स्केलर प्रोडक्ट का मतलब यही तो हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, बोला गया साफ साफ कि वो हाफ है। बस अब क्या मुश्किल है इसमें, इतने सारे हिंट मिल गए कि ए डॉट बी जब मिल रखा है तो ए डॉट बी को इम्प्लीमेंट में लाते हैं। हम सब जानते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। इन्होंने बोला है कि ए डॉट बी की वैल्यू हाफ है, इन्होंने बोला कि मॉडुलस ऑफ ए जो भी होता है मॉडुलस ऑफ बी भी वही होता है, तो मॉडुलस ऑफ बी को भी मैंने मॉडुलस ऑफ ए ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने थीटा के प्लेस पे जो उन्होंने दे रखा था हमें कुछ 60 डिग्री, वो मैंने लिख दिया। स्टूडेंट बताइए cos 60 की वैल्यू वही तो होती है जो sin 30 की होती है, यानी हाफ, तो ये भी हाफ होगी ये भी हाफ होगा, कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स, तो यहाँ क्या बचेगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वट 1। तो स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट 1, दैट इज प्लस माइनस 1, लेकिन क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है इसलिए सिर्फ प्लस 1 को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि मॉड वैल्यू है, पॉजिटिव आंसर चाहिए, इन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए पॉजिटिव वाला। बस अब बस क्या बचा, मॉडुलस ऑफ ए 1 है तो मॉडुलस ऑफ बी भी ऑब्वियसली कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ऐसा गिवन था हमें कंडीशन में, किया है ना, तो वो भी हो गया, दैट्स इट, ठीक है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक 9th क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 9th, ईजी है ना, ऐसे क्वेश्चन 1-2 मार्कर में आने वाले क्वेश्चन है बस, ठीक है ना, 1-2 मार्कर क्वेश्चन है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना पूरी पूरी बात। 9th क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स इफ अ यूनिट वेक्टर ए, देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स जो कर रहे हैं पहले बोल रहे हैं करने के लिए वो कर लेते हैं, ये फाइंड करना है, ठीक है। इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर, तो क्या समझ में आया, क्योंकि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में मेंशन, जो वो कह रहे हैं हम उसे क्या कर दे रहे हैं डिकोड कर दे रहे हैं। क्या था, ओ माय गॉड, ये कौन सा क्वेश्चन में देखने लग गया, हाँ सही 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 देख रहा हूँ, ठीक है ना। इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, अब हमें स्टूडेंट्स क्या बताना है एक्स को फाइंड करना है, वो पहले से लिखा और साथ ही कंडीशन दे दी कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12, मतलब एक्स की किसी वैल्यू के लिए ना ये फॉर्मेशन है, मतलब ये गिवन कंडीशन है सारी सारी, अगर ये ऐसा फॉलो करता है तो बताना है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स, ठीक है ना। अब इतनी सी बात है, कुछ नया काम नहीं करना हमें, हमें जो दिख रहा है वो कर देना है। ये वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ्स तो हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, कभी आपको किसी ने बोल दिया एक फील्ड का एरिया आपका 20 मीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ 5 मीटर है, फाइंड करो विड्थ, उसी टाइप के तो क्वेश्चन है, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, बोलोगे लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेकिन एरिया गिवन है तो लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू जो दे रखा है वो लिख दोगे, लेंथ भी गिवन है एरिया भी गिवन है विड्थ निकल जाएगी, करते हैं ना हम बचपन में, वही तो है इस बार, बस वेक्टर की फॉर्म में बात हो रही है, एरिया एरिया नहीं बोल रहे, ये चीज गिवन है, बोला गया कि बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन की यूज कर लेना आप, बोला गया ये यूज हो सकता है कहीं पर देख लेना अगर करना होगा तो आपको, और लेकिन आपको ये निकालना है, हम समझ गए काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता है वेरिएबल जो भी होगा एक्स और ए की फॉर्म में आंसर आएगा, उसमें से ए को आप डाल दोगे मैग्नीट्यूड में तो एक्स बचा निकल जाएगा, ये है ना बात। अब प्रोडक्ट कैसे करना है, अभी क्वेश्चन जब स्टार्ट किया आज क्वेश्चन नंबर 7 से, तो हमने अभी सीखा तो सही प्रोडक्ट करना, हमने बोला वैसे करो जैसे नॉर्मल एलजेब्रा में करते हो, और ये मत सोचना कि आई जे के में भी अलग होता है, उसमें भी नॉर्मल एलजेब्रा ही लगता है, क्योंकि आई डॉट जे आई डॉट के जीरो हो जाते हैं, इसलिए आई और जे और के वाले केस में हम आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ करते हैं। अभी आई जे के इंडिपेंडेंटली दिखाई नहीं दे रहे, तो वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे कि मैं ऐसे सिखा रहा हूं आपको, ऐसे ध्यान रखो, एक लाइन आपके लिए तभी बार बार लिख रहा हूं इस तरह की, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये गिवन है। तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कर देते हैं पहले, क्या डायरेक्ट कर लूँ, नहीं चलो कोई बात नहीं, एक्स फिर प्लस कर एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, क्लियर है। अभी बताइए एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या होगा, वैसे ही जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस है ना, तो कितना होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 1, तो सिर्फ आंसर ना मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, जैसे अभी ए डॉट ए वेक्टर का आंसर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर आया था, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर आया था, वैसे कर कर सीधे याद समझ कर लेना कि ऐसा लिखना तरीके से करना काम, यही इफेक्टिव है, क्योंकि अभी जो हो गया काम बाई चांस कोई सीधे बोल देगा चलो कोई बात नहीं ऐसा याद रख लेते हैं, ऐसा होता है तो आगे आगे की प्रॉब्लम होने लग जाती है फिर, इसलिए तरीके से, छोटी बातें नहीं है तरीके से करो, तभी मैं करा रहा हूँ। बताइए एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, हमें पता है कि भाई एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो या ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर करो, एक ही तो बात है क्योंकि कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है। तो कैंसिल कर दूंगा ना सीधे सीधे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है और दोनों क्वांटिटी सेम है। माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैन बी रिटन इज ए वेक्टर का फुल स्क्वायर मॉडुलस का, और आपको अच्छा खासा दे रखा है कि भाई मॉडुलस ऑफ एक यूनिट वेक्टर, साफ साफ बोला था। तो क्योंकि ये 1 है, आराम से जो बोला गया वो करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम 12th क्लास में ऐसी सिंपल मैथमेटिक्स तो हमसे बच नहीं सकती। 12 + 1 -1 आ गया 13 हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए मॉडुलस ऑफ एक्स कितना होगा, यस प्लस माइनस रूट 13, लेकिन मॉडुलस निकाल रहे हैं तो ओनली 13 विद रूट, पॉजिटिव रूट 13। यूनिट लिख देना पीछे कुछ कि यूनिट लिख देना ना, ताकि यूनिट मतलब जो भी लिखना चाहो मीटर सेंटीमीटर वो आप मत लिखना, आप सिर्फ यूनिट लिखना ऐसे करके, ठीक है। बस क्या बता, यही बताना था हमें, बस हो गई कहानी खत्म, ठीक है ना। ये तो फाइंड करना था ना 9th क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन नंबर 10th लिखा हुआ है आपका, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू, आराम से समझते हुए चलना, बी वेक्टर कितना दे रखा है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर यहाँ है, ठीक है। बी वेक्टर कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10, -i + 2j + k कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पे सी वेक्टर दे रखा है आपको, ऐसे कर कर सी वेक्टर लिखा है स्टूडेंट्स 3i कैप + j कैप, 3i कैप + j कैप, 2 2 3 -1 2 1 3 1 3 1, ठीक है ना। आर सच दैट, ये 3 वेक्टर्स हैं, आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ऐसा बोला गया है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। फॉर विच दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ऐसा अगर हो जाए या ऐसा है अगर, है ना, ऐसे तो बोला गया, ठीक है ना। आर सच दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ठीक है ना। देन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा कोई वेक्टर तो नहीं है, कहाँ है लैम्डा, अच्छा लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, दिख रहा है ना, ये वेक्टर का साइन लगा, उसके लिए क्वांटिटी है, यानी कि क्या लैम्डा की ऐसी वैल्यू रखो कि ये ए जो वेक्टर है ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि ये जो वेक्टर ही है ना एक वेक्टर का सम है, क्लियर है। सोच समझ कर आराम से करना। अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन ना 11th क्लास का बड़ा ट्रेंडी क्वेश्चन है फिजिक्स में, ठीक है ना। बताऊँ कैसा, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, लिखा रहता है, अभी मैं यूज करूंगा इस चीज को, मैं जो इसलिए बता भी रहा हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे दिया i कैप + j कैप + k कैप, फिर आपको बोलते हैं बी वेक्टर देकर कि इसकी वैल्यू है 2i कैप + 3j कैप + pk कैप, ये है ना, p फॉर प्रणव, ठीक है। तो ये ऐसा आपको देखा, मतलब कुछ निकालना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, आप कुछ भी लिख लेना, एक वेरिएबल छोड़ देते हैं। क्लास 11th का ना फिजिक्स का बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, बताएं क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वेक्टर एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच वन। अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर p की वैल्यू बताओ, वेक्टर p नहीं कोई स्केलर क्वांटिटी है p, जैसे 2 है 3 है, p की वैल्यू बताओ। सब क्या करते हैं, हर लोग ऐसा करते हैं, सबको पता है ये बात। जब मैं आपको कुछ दिन पहले याद होगा आपको कह रहा था ना कि मैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशन होती है, मैंने 2 ही डिस्कस की थी, एक तो प्रोजेक्शन, दूसरा टू डिटरमिन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तीसरी वाली मेरे माइंड में ये थी, फिर मैंने सोचा नहीं बोलता हूँ, रेलिवेंट नहीं थी वहां पर बोलना। अभी ये तीसरी की मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, जब भी बोलता हूँ मैं बोलता हूँ डॉट प्रोडक्ट की तीन प्रॉपर्टी याद रखो, उसमें से तीसरी ये है कि ये अननोन को फाइंड करने में, और कंडीशन बार बार देते हैं परपेंडिकुलर है, तो ये मैं इसलिए फील दिला रहा हूँ कि ये मत सोचना इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, ये हमेशा का है। आप मुझे बताइए डॉट प्रोडक्ट ये होता है ना, इसलिए मैंने इसे डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में ऐड किया है, भले ये क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसे जनरलाइज बना रखा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसेज अगर सोचिए थीटा 90 होगा, हमने बोला ना इफ वेक्टर एंड वेक्टर बी मेक्स 90 डिग्री एंगल विद ईच वन, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल जीरो नहीं हो गया क्या? अब से समझ में आ गया हमेशा के लिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि थीटा 90 है, क्योंकि इसका ये जीरो तब भी हो सकता था जब ये जीरो हो, ये जीरो हो, या फिर ये जीरो हो। अब ये और ये अगर आपने बोल दिया जीरो नहीं है क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड साफ साफ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि थीटा 90 होगा। तो जब कभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो हो और गिवन हो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, तो नेसेसरीली थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, अदरवाइज ये मैग्नीट्यूड जीरो होने पर भी बात जीरो हो जाएगी, लेकिन वो गिवन होगा या फिर ऐसे साफ साफ दिख रहा है आपको कि ना ये जीरो दिख रहा है ना ये जीरो दिख रहा है, क्योंकि ए बी कुछ ना कुछ दे रहे हैं वैल्यू, वो जीरो तो नहीं हो सकते, तो नेसेसरीली इनके बीच का एंगल थीटा 90 होगा। अब थीटा 90 होगा, ये इसने बोल रखा है कि परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि ये परपेंडिकुलर है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ छोटा सा काम करना चाहिए कि ये वेक्टर इनका डॉट को जीरो के इक्वल रख देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मैं डॉट निकालूंगा तो थीटा के प्लेस में 90 रखना पड़ेगा, आंसर ओवरऑल जीरो आएगा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर निकालना होता है इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करते हैं इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 1, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का p के साथ, और 0 के इक्वल कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग 3 + 2 p इज इक्वल टू -2। अभी मैं करवाऊंगा इसको, ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आगे, तो ठीक है ना, ध्यान रखना। समझ गए आप बात को? ये बात है, जब भी ना वेक्टर्स के बीच में परपेंडिकुलर वाली कंडीशन कभी भी दिख जाए, ये सीधा माइंड वहीं जाना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करवाओ। ये मैंने इसलिए इतना जिक्र किया इसका, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कभी कभी हम कैसे सोचेंगे इतनी बड़ी बात की फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा की बात है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसमें प्रॉब्लम मत लेना। अभी क्योंकि गिवन था कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच वन, तो हमने इनको डॉट प्रोडक्ट जीरो करवा दिया, क्योंकि इनके बीच का एंगल साफ साफ 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आराम से ले लो, डॉट प्रोडक्ट लेना क्या मुश्किल है, नहीं, ए वेक्टर इसकी वैल्यू दी तो है आपको, आराम से काम करते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू मैंने लिख दी 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप, है ना, ये क्या है, प्लस था ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ठीक है, प्लस आराम से लिया लैम्डा इंटू बी वेक्टर का मतलब -i कैप + 2j कैप + k कैप, ये हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिख दिया। डॉट सी वेक्टर आराम से देखिए 3i कैप + j कैप, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, कहीं हल्का सा भी मिस्टेक हो गया आंसर बताएगा, वैसे मैंने चेक किया था 3 कहाँ गया 3, ठीक है, वैसे मैंने देख लिया था, ठीक है ठीक है। अब ये जीरो हो जाना चाहिए, हमने तरीके से समझ ली पूरी बात, समझी कि नहीं समझी? अब स्टूडेंट्स आराम से डॉट प्रोडक्ट ले लो, आंसर निकाल लो। अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, इसके आई के कोफिशिएंट का, ये जो नया वेक्टर बनेगा ना, क्योंकि सम करोगे तो उसके आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, आपके लिए एक लाइन यूज कर लेता हूं, देखिए वरना मैं डायरेक्ट कर लेता, 2 यहां से माइनस लैम्डा आ रहा ना कोफिशिएंट आई का, माइनस लैम्डा, और ये कंस्टिट्यूट करके आई कैप ऐसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, जब ऐड होंगे ऐसे तो होंगे, यहां से 2 इसके जे के साथ, क्योंकि जे है तो वहां का जे का कोफिशिएंट क्योंकि ऐड हो रहे हैं, +2 लैम्डा जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, वहां पर लैम्डा 1 लैम्डा और के कैप, ये हो गया आपका 3i कैप + j कैप इज इक्वल टू 0, ये हो गया, क्लियर है, इतनी सी बात है बस। अब आई का वो एक लाइन में हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से समझ में आ रही है ना बात, अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हम कैसे मैच्योर होंगे, वैसे हो जाती है बातें, समझ में आती है, लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो होता ही है, तो हर बार होता है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है, अगर बाई चांस किसी को लग रहा हो, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, बात डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। 3 सीधे करो 3 × 2 माइनस लैम्डा करस्पॉन्डिंग्स का, 2 + 2 लैम्डा उसके जे के कॉम्पोनेंट यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जे का कॉम्पोनेंट, यहाँ का के का कॉम्पोनेंट 3 + लैम्डा है, लेकिन वहाँ के का कॉम्पोनेंट क्योंकि 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि के कुछ नहीं है ना वहाँ, तो ये तो स्टूडेंट्स आप देखते ही समझोगे गायब। 3 × 2 कितना होता है 6, आराम से थोड़ा समझ लेना, 3 × 2 6 और +2 बचा 8 हुआ नहीं हुआ, -3 लैम्डा 2 लैम्डा दैट इज -लैम्डा क्लियर है, लेमडा इज इक्वल टू वट, यस 8। क्या निकालना था, लेमडा ही निकालना था, आंसर आपके हाथ में, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम हुई इतने से क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटी सी बात है। आप, मैं सच कह रहा हूँ कि क्लास 11, वैसे तो आप भी जानते होंगे, मैं फिर भी कह रहा हूँ क्लास 11 के स्टूडेंट को देके देखना जरा, जो फिजिक्स पढ़ते होंगे कर लेंगे इसे, ठीक है ना, आप भी कर लेते हैं मुझे पता है, लेकिन क्या पता किसी ने बाई चांस किसी कारण से ना पढ़ पाए 11th में, लेकिन अब वो बात समझ जाए। अब से आगे से आपको कोई दे तो आप जरूर कर लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन ये वाला। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, शो दैट मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बी का मॉडुलस ए वेक्टर, आराम से सोच समझ के करो, ठीक है ना, दिख तो साफ रहा होगा। इस परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर तो ऐसा बना दिया हमने साइन, ठीक है ना, इस परपेंडिकुलर टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, माइनस माइनस आया बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आराम से सोच रहे हैं, बुक सबके पास है, अपने अपने देख के भी करो, मैंने सब साफ लिख दिया। मॉडुलस ऑफ ए है बी वेक्टर है, प्लस मॉडुलस ऑफ बी है ए वेक्टर है, परपेंडिकुलर है मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर, ठीक है ना। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम सी हो रही हो तो वो ऐसे ही दिखा रहा हो, ऐसे लिख देना, मॉडुलस को सिर्फ उसका वेक्टर साइन हटा दो, ऐसे लिख देना, इसमें से ये हटा दो, उसको ऐसे लिख देना। मैं बता रहा हूँ, कोई चाहे तो ऐसे भी लिख लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है सोचने समझने में, वैसे नहीं होनी चाहिए, तो ये थोड़ा फील भी दे देगा। अरे काम की बात भी बता दूँ, किसी को ये ना लग रहा हो कि इसके बीच में डॉट है क्रॉस है, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर के बीच में कोई साइन नहीं होता, नॉर्मल टाइम्स होता है बस, कितना टाइम्स है उसका, ठीक है। तो ये बी वेक्टर का ए टाइम्स, ए टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ था, बोला गया था शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। शो करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या करना है, वी हैव टू शो दिस, है ना, शो करना है, ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट शो करना है इसे, तो ये आप समझ गए आपको क्या करना चाहिए। आपका काम एक छोटा सा, आपको बस देखिए कुछ ना अच्छा लगने के लिए मैं वेक्टर ही तो आएगा, वेक्टर को जोड़ के पी वेक्टर कह देता हूँ, कुछ भी कह लेना, ए वेक्टर कह लेता हूँ, इसको यहाँ से मैंने बी वेक्टर कह दिया, प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वेक्टर का सम या वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर ही जो होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि ये वेक्टर को शो करना कि परपेंडिकुलर, अगर मैंने ये शो कर पाया कि वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं ये शो कर पाया तो मैंने शो कर दिया फिर कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब एक बात सुन लेना, अब जैसे ही मैं लिखता हूँ कि ये 0 होगा, तो मेरे पास कंडीशन तुरंत आती है इधर उधर से कि इधर दिस विल इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल इक्वल टू 0, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए जैसे ही मैंने कंडीशन लिखी ना, मुझे यहाँ से किसी ने काउंटर किया कि आप ये कैसे बोल सकते हैं, ये तो तब हो सकता है या तो ये हो जाए अकेले में और की कंडीशन में, सब ये हो जाए तो भी बात रहती है, ये हो जाए तो भी बात रहेगी, अब ये वाली बात हो जाए तो भी रहेगी। तो कोई मेरे से कहेगा कि आप इतनी श्योरली कैसे कह सकते हो कि ये 0 सिर्फ तभी हो रहा है जब 90 थीटा डिग्री 90 हो, जब थीटा 90 डिग्री हो तभी हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये 0 हो गया तो भी 0 हो सकता था। तो मैं ऐसा करने के लिए फिर ये भी चेक करा के दिखा दूंगा कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो नॉन जीरो नंबर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी नॉन जीरो नंबर है, तो इनका समेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, मतलब इनका मॉडुलस 0 नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो नॉन जीरो नंबर्स हैं तो इनके मॉडुलस 0 होने के सवाल नहीं उठते, इसलिए ये दोनों कंडीशंस बिल्कुल नहीं हो सकती, तो फिर थर्ड कंडीशन ही वैलिड होती है, यानी कि ये 0 तभी हो सकता है जब थीटा 90 हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, अगर 0 आ गया तो थीटा 90 था, दैट्स इट, उसका कन्वर्स है, इस क्वेश्चन के ऊपर आगे कन्वर्स है, ठीक है ना, बाकी मैं इस कंडीशन को अप्रूव कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये लेकर चलूंगा, क्योंकि ये लेकर चलने का मतलब ही कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से मान दे रहे हैं कि 0 होगा, नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, अगर वो 90 डिग्री हो गई तो ये मैं बोल रहा हूँ ना फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन, अगर 0 हो गई राइट हैंड साइड तो फिर हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे। ए वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं पहले, ठीक है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा मत करना, क्योंकि थीटा तो आपको पता ही नहीं है ना, उसी के लिए तो काम करना, इसलिए डॉट प्रोडक्ट निकालना जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे। लिखो वेक्टर को ए बी माइनस बी ए वेक्टर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं ऐसे वाला लिख रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है ना, उनका मैग्नीट्यूड हटा दिए, ये इसका डॉट ले रहा हूँ बी वेक्टर के साथ, दैट इज ए वेक्टर ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, आराम से काम करना, ये 0 नहीं लिखूंगा, मैं काम कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, 0 आएगा तो हम बोलेंगे हो गया, वही तरीका जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, ऐसे थोड़ा सा करा रहा हूँ तरीके से, इसलिए एक लाइन यूज कर रहा हूँ, ये इन दोनों के साथ होगा, फिर माइनस करके जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वैसे कर रहा हूँ मैं, डॉट ये इन दोनों के साथ होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। मुझे बताइए a एक स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि कोई वेक्टर नहीं है, शुरुआत से देखिए मॉडुलस था, a इंटू ए सिंपल सा ए स्क्वायर आएगा क्योंकि ये कोई स्केलर क्वांटिटी है पूरी की पूरी, तो 2 इंटू 2 जैसे 4 होता है वैसे ही 2 इंटू वैसा टाइप का। मुझे वो बताएं स्टूडेंट्स, ये फिर b वेक्टर डॉट b वेक्टर में तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ना, तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर फिलहाल लिख देता हूँ, वैसे आप लोग सब समझ लेंगे इसका आंसर क्या होगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर सिंपल मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन b वेक्टर डॉट a वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, b वेक्टर डॉट a वेक्टर। क्लियर है कि तो b वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हुआ, b a वेक्टर से, ठीक है ना, ये ठीक है। तो b वेक्टर किससे मल्टीप्लाई, b वेक्टर नहीं बेसिकली ये पूरी चीज ना, यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई हो गया, ए बी आ गया, b वेक्टर a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि वेक्टर तो प्रोडक्ट लगाएगा ना। बाकी इस पर काम करते हैं, मुझे बताएं b इंटू ए तो पहले b a हो जाएगा, फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी लगेगा कि लगेगा क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट होगा उनमें। आराम से पूरी स्टोरी क्लियर है, पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर है, प्रॉब्लम ही नहीं है, थोड़ा सा सोचो समझो आराम से। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्केलर स्केलर सीधे मल्टीप्लाई होंगे विदाउट एनी वेक्टर प्रोडक्ट, b इंटू बी बी स्क्वायर। अभी अंदर कौन बचा, a वेक्टर बचा, यहाँ a वेक्टर बचा, और वो a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा, ऐसे करके आराम से वेक्टर का प्रोडक्ट। बस आपके लिए तरीके से मैंने ओपन करके दिखाया, वरना एक सेकेंड में किया जा सकता था बिना इतना करे, ठीक है ना, ठीक है आप भी करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी नहीं। ए स्क्वायर इतना है तो मुझे बताइए ए स्क्वायर हो गया, उसका आंसर यही तो आएगा, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। हमने सीखा तो है इतनी देर से अभी तक कि बी वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, वो ऐसा दिखेगा। माइनस ए बी है, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर और क्या, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं। माइनस बी ए है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक ही बात है कि नहीं है, चलो मैं नहीं लिखता भी, मैं जैसा लिखा है वैसा लिखता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये प्लस था, बी स्क्वायर आएगा, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ये है बस। मुझे वो बताएं ये ए बी 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, एक ही तो बात है, बी और ए बी एक ही तो है, नॉर्मल प्रोडक्ट है। ऊपर से b वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी तो एक ही है, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी ना सिमिलर है। ओके ये माइनस साइन है, लेकिन इसमें माइनस साइन है, यानी कि ये हुआ कि ये माइनस साइन, एक मुझे लेट मी चेक इट, एक मिनट चेक कर लूँ, फिर उसके बाद अगर होता है तो सही है, मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती करना, होगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ एक बार। ओके देख, आपने देखा मिस्टेक कहाँ पर हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है ना आंसर क्या आना चाहिए, 0 डिग्री 0 आंसर आना चाहिए, होता तो ठीक है, वरना उस पर काम करते। लेकिन समझ में आ गई बात कि मैंने कुछ मिस्टेक किया हुआ, तभी तो कैंसिल होते तो ज़्यादा फायदा रहता ना मैं, क्योंकि 0 आना चाहिए, क्यों पता, क्योंकि हमें पता ही ऐसा होना चाहिए। तो ये b प्लस था, आपने देखा होगा, वैसे आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, जब ये प्लस था तो ये प्लस था, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये होना चाहिए था, बाकी का हिसाब किताब ठीक है। फिर ये नहीं, फिर ये भी तो ऐसे होगा, फिर माइनस, फिर ये था ना ए बी, नहीं, ये ए बी इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस थे, ये प्लस का बी ए था, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, ये सही है। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस जरूर आना चाहिए था, क्योंकि ये ए बी इस बी ए से मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि आगे की स्टोरी में प्लस बी ए इससे मल्टीप्लाई हुआ और प्लस बी ए उससे हुआ, तो ये माइनस ऐसा था। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे होंगे, आपने पहले ही उसे करेक्ट कर लिया होगा, कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। माइनस ए बी था वो चलो ठीक है, ये प्लस में होना चाहिए था, और माइनस ये माइनस में होना चाहिए था। तो समझ में स्टूडेंट्स क्या आया कि ये कैंसिल हो गए, जो मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि पॉसिबिलिटी लग रही थी ना यही हो सकता है, तो पता चल गया आंसर गलत कर रहे थे कुछ। ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर यहाँ बचा, माइनस बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ बचा, ठीक है ये बचा। अब मुझे बताएं ये ए स्क्वायर है मॉडुलस ऑफ बी, मतलब क्या, बी स्क्वायर ना सीधे सीधे, बी स्क्वायर ये है मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर सीधे सीधे। अब बताइए क्या ये जीरो नहीं है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि तो चीज़ है ये, बस दैट्स इट, फिनिश हो गया, आपने जो सोचा था वो हो गया, ठीक है ना। बस इतना सा काम है, छोटा सा काम, ठीक है ना, ध्यान रखना कैसे कैसे होता है, तरीके से करोगे तो आपको मदद मिल ही जाएगी, पता चली जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ आपने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। ये था, समझ में आ गई आपको बात, एक नॉर्मल सा हमने करा, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए दिए जा रहे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कहीं ना सिर्फ ऐसी मत कर देना कि सिर्फ क्वेश्चन करना, तरीके से करना, सोच समझ कर, अप्रोचेस बढ़ाना, ठीक है ना। मैं फिर भी लिमिटेशन में हूँ आपके साथ, ज़्यादा नहीं बोल सकता कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कहा टाइम जितना ज़्यादा दे सकें दे एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को, वो हमेशा यूज ही होता है पढ़ाई में दिया गया टाइम। ठीक है ना, हमेशा काम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 ही है, हाँ 12 ही है। 11 क्वेश्चन ठीक था, कर लेना उसे, ठीक है, जो भी मैंने कराया था। 12th क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है ना, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। आप वेक्टर बी के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट देना है कि क्या बी हो सकता है, क्या बी की वैल्यू है, जो भी हम समझते हैं। हमें कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों में एनालिसिस करना है, बात खत्म हो जाएगी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 का मतलब क्या हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यही तो हुआ, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 1, तो ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोलता है, ये बोलता होगा कि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इंटू 0, है ना। जब ऊपर वाली बात हमने करी तो हमें क्या समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ ए क्या है, 0, यानी कि इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ये 0 तभी हुआ होगा जब मॉडुलस ऑफ ए 0 रहा होगा, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है, कॉस तो 0 करवा नहीं सकता, जरूर इसका मॉडुलस 0 रहा होगा। जबकि दूसरे वाला ये कहता है कि ये बात है, अच्छा ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले तो हम बी के बारे में क्या कह सकते हैं, देखते हैं जरा। जब दोनों कंबाइन होंगे, ये भी होगा ये भी होगा, तो अगर ये होगा तो इसको यहाँ जब इम्प्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए 0 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ ए अगर 0 हो जाएगा तो होल चीज 0 हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि जब ये दोनों यहाँ पर रहते हैं ना, तो b के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि b की वैल्यू आप कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि b यहाँ डिटरमिन कर ही नहीं रहा है टर्म्स को। ये दोनों हमेशा सेटिस्फाई हो सकते हैं, b की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, दोनों हमेशा सेटिस्फाई हो सकते हैं, b की कुछ भी वैल्यू रख दो, क्योंकि इसके 0 होने के लिए b जिम्मेदार है ही नहीं, ना ही cos थीटा जिम्मेदार है आप, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए जब 0 हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल आ गई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। बात को समझ लेना क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा कहता हूँ एक बात, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए ये भी सेटिस्फाई हो जाए, तो दोनों ही अगर सेटिस्फाई होते हैं, एक इंटरसेक्शन कंडीशन ले रहे हैं, इंटरसेक्टिंग कंडीशन, उस केस में बी कितना होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं बी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के सेटिस्फाई होने के लिए सिर्फ ए का मॉडुलस 0 होना चाहिए बस। पहला वाला कहता है कि ए मॉडुलस 0 होगा तो मैं सेटिस्फाई हूँ, और अगर ए मॉडुलस 0 हो गया तो दूसरा भी अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। वो बोलता है बी की कुछ भी रख लो, लाके आप यहाँ 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, जब ये 0 है तो कुछ भी रखोगे तो ओवरऑल 0 सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यही है, तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लिख देना द वैल्यू ऑफ बी कैन टेक इनफिनिट वैल्यूज। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर क्या था, हाँ 13 क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, तो जो बोला वो करो। यूनिट वेक्टर का सीधा सा मतलब हमें यही तो समझ में आता है कि इनका मैग्नीट्यूड्स 1 होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात बोली गई, 13 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मारा है, इसमें ध्यान रखना, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमें से क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो आवाज़ है पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, इसकी आवाज़ है, आप बाद में पूछेंगे, अब बाद में पता नहीं कब मैं आपका कमेंट देखूंगा तो फिर मैं भूल जाऊंगा क्या है ना, इसलिए बता दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। 13 क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वो हमें उसकी वैल्यू बतानी है। और ये है, ये यूनिट वेक्टर, ये कंडीशन है, और साथ में ये भी कंडीशन, दो कंडीशंस गिवन है, हर हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, कुछ कुछ वैसा ही है, याद है वो क्लास 10th में क्वेश्चन आता था, एक्सरसाइज मुझे एक्जैक्टली तो नहीं पता, शायद 8.4 थी शायद ना। क्या होता था वहाँ पर, वो आपसे बोलता था कि बोलता था ना कि इफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट, ये वाली बात याद आ रही कुछ, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आता था 10th क्लास में। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था ना, क्योंकि हम कैसे करते थे, हम बोलते थे क्योंकि इंटीरियर एंगल से, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा, फिर हम कुछ करते थे, आपको पता है क्या क्या करते थे। ठीक है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हल्का सा मुझे उसकी तरह कभी कभी लगता है क्वेश्चन देखने में, इसलिए आपको थोड़ा माइंड करवा दिया। अभी क्वेश्चन जैसे इसको करने के लिए ना हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए था, फर्स्ट टाइम हमने करा हुआ होना चाहिए था 10th क्लास में, तो हम उसके बाद हमेशा कर लेते थे, फिर चाहे कैसे भी आ जाए। ठीक है, एक आइडिया नहीं आता था। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या आइडिया लग सकता है? इसमें वो लाने के लिए बहुत सिंपल सा आइडिया लग रहा है। आप पहले तो सोचे, बहुत सोच ले पहले, बहुत जब सोच चुके हो तभी देखना मेरा ये जो मैं बता रहा हूँ, तो ज़्यादा अप्रोच बनेंगे करने के। देखना, इसको लेता हूँ, मैंने बोला ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू ये था, मैंने बोला ऐसा करता हूँ उसे वहाँ भेज देता हूँ, माइनस सी वैक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे दिखा कि वहाँ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर है, मैंने सोचा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर कैसे आ सकता है। मुझे पता चला कि ऐसा आ सकता है कि जब ए वैक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाए, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ये बी वैक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाए। क्यों ना ऐसा करूं कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को नंबर वन बोलकर मैं बोलूं कि वन वाली इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लो वेक्टर ए के साथ, क्योंकि इस तरफ वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है। तो मैंने इस वाली इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको ए वेक्टर के साथ डॉट ले लिया। मैं बताता हूं आपको क्यों करा मैंने ऐसा। माइनस सी था, इसका भी डॉट ले लिया ए के साथ, दोनों तरफ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ ना, वो जो सोच मैंने आपको पहले बोली थी वो काम आ रही है कि ये जब डॉट लेगा तो ए डॉट ए से तो चलो मतलब नहीं, हमें ए डॉट बी से मतलब है, वो बन रहा है क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी एक ही बात है। फिर वैसे ही बी डॉट सी बनेगा, तो बी डॉट सी के लिए भी आप इस वाले का कोशिश करना, सी से डॉट ले लो, फिर सी डॉट ए बनाने के लिए आप कोशिश करना, बी से ले लो, मतलब एक एक करके तीनों से डॉट लिया जाएगा और आपकी चीज़ें आती रहेंगी, देखते रहना आप। तो हम अगर काम करें तो ए डॉट ए करूँगा सीधे, तो मुझे बताइए कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर होगा नहीं होगा। फिर बी का डॉट करूँगा ए के साथ, तो बी डॉट ए का आंसर बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर होगा, इजंट इट। और ये माइनस का सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर होगा, ऐसे कर कर। अब क्योंकि ये तो वन हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि यूनिट वैक्टर प्रोवाइडेड था। तो स्टूडेंट्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका कितना निकल के आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वन को उधर शिफ्ट कर दो चाहो तो, माइनस हो जाएगा वन वहाँ जाकर ना, तो ये माइनस वन और यहाँ भी माइनस का ऑलरेडी ये हमें गिवन है। फिलहाल ये निकल के आया, मतलब कुछ नहीं, हमने कम से कम ना बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लिया। देखा जाए तो अच्छा काम किया, क्योंकि बी वेक्टर ए वेक्टर का सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ एक लिंक हो गया, यानी बी वेक्टर ए वेक्टर की जगह अगर ये रखूंगा तो फिर सिर्फ बी सी एक वेरिएबल टाइप बचेगा। तो ये अच्छा काम मैं करने जा रहा हूँ, है ना, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ से काम बन गया। अब कोशिश क्यों ना ऐसी की जाए। देखिए मैं कुछ और करने जा रहा था, लेकिन मैं कुछ और करने वाला हूँ, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, ध्यान से थोड़ा समझते हुए चलना। मैं ही कह रहा हूँ ना कि मैंने एक अच्छा सा काम पता क्या कर दिया, क्योंकि ना मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के प्लेस पे ये लिखूंगा तो माइनस सी ए उस सी ए को कट कर देगा, तो यहाँ से माइनस वन बचेगा, फिर माइनस वन प्लस बी डॉट सी बचेगा, तो बी डॉट सी बचा है उसे हटाना है। तो ये मुझे अभी भी आइडिया आ रहा है, वरना मैं कैसे करना चाह रहा था, मैं ऐसे करना चाह रहा था कि फर्स्ट को मैंने ए से डॉट प्रोडक्ट लेके बी डॉट ए बना दिया। अब मैं सोचता हूँ कि एक बार बी डॉट सी भी बनवा लूँ कहीं से, तो बी डॉट सी बनने के लिए मुझे इसी फर्स्ट को कोशिश करनी चाहिए कि सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, क्योंकि बी डॉट सी वहीं से आने के चांस है। तो मैं बोलूँगा कि इसी वाले का मतलब बारी बारी से हर एक के साथ डॉट आएगा ही आएगा, वैसे ले लेता हूँ, ले लिया। इज इक्वल टू यहाँ माइनस सी था, इसका भी फिर सी के साथ डॉट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। मुझे बताइए यहाँ लेकर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बनेगा, और यहाँ लेकर क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का वन, क्योंकि सी का स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस में और सी की वन है यूनिट वेक्टर, इसलिए वो निकल गया। मैं कहूँ आपको एक बात, अगर तो क्वेश्चन तो यहीं पर फिनिश हो रहा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन नहीं वैसे इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, चलिए ठीक है, फिर भी हमने ये निकाल दिया। देखा जाए तो काम की क्या चीज़ आई, बी डॉट सी, मतलब बी डॉट ए एक काम की चीज़ थी, वो हमने पहले निकाल ली, वहाँ रख दूंगा क्योंकि ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही बात है। दूसरी बात बी डॉट सी था, वो भी मैंने एक तरह से निकाल लिया, निकाल के रख देता हूँ उसे, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मैंने बोल दिया माइनस वन, ये है वो उधर जाके वहाँ माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया। काफ़ी सिमिलर आया, जैसा पहले आया था लगभग वैसा ही आंसर रिजल्ट आया इस बार भी, हमारी बात। वैसे तो काम हो चुका, लेकिन एक और काम करता हूँ उसी में। अब वन का क्योंकि ए के साथ भी ले लिया, सी के साथ भी ले लिया, बी के साथ लेना चाहिए बी वेक्टर के साथ, लेकिन दूसरे हिसाब से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो। अब सी डॉट ए चाहिए, सी डॉट ए तभी आ सकता है जब इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो, ताकि सी और ए है। और वैसे भी समझ लो कि किसके साथ बचा हुआ है, वेट फॉर सेकेंड, हमने ए के साथ कर लिया, सी के साथ कर लिया, एक बार ऐसे करते हैं बी के साथ करते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से सभी के साथ करते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, वरना रिजल्ट वही आ जाए होगा उससे भी जो मैं कह रहा हूँ किसी दूसरे के साथ कर कर, क्योंकि सी के साथ कर चुके हैं ना, इसके सी के साथ नहीं कर रहे, अब बी के साथ कर रहे हैं, कि ए के साथ हो गया, सी के साथ हो गया डॉट, अब बी के साथ करते हैं, बी के साथ डॉट लोगे तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसको हम बी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया बी वेक्टर के साथ, यहाँ माइनस का सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, क्योंकि बी के साथ आपने डॉट लिया। तो ये जब सॉल्व करोगे आप देखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो ऐसा बनेगा, यहाँ से बी वेक्टर के साथ मॉड लेगा तो बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा जो कि 1 हो जाएगा। आपको पता है यूनिट वेक्टर है। ये हो गया ऐसा। क्वेश्चन सिंपल है, मतलब ये बोलने पर बात है, बस सिंपल देख कर ही समझ जाना। क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बी स्क्वायर आ जाएगा -1 हो जाएगा माइनस का सीन, मतलब आप देख रहे हैं लगभग सब जगह एक ही तरह का फॉर्मेशन आया। अब हमने अपने काम की चीज़ निकाल दी ना। हमें क्या चाहिए था? हमें फाइनली सी डॉट ए चाहिए था। अभी वो मिला नहीं वैसे देखा जाए तो, लेकिन काम होने लायक हो चुका है। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। क्या क्या हमारे हाथ लग गया? ए बी लग गया, बी सी लग गया, एक सी ए था। और मैं आपको अगर एक बात बताऊँ ना, हमारा काम लगभग फिनिश पहले ही हो चुका है वैसे। ठीक है, 1 मिनट मुझे चेक कर लेते जाए थोड़ा सा। ए के साथ डॉट लिया, ये रिजल्ट आया, ठीक है। और फिर सी के साथ बी के साथ लिया तो ए डॉट बी निकला। ए डॉट बी इक्वल टू ये हो गया ए डॉट बी सी सी डॉट ए। ऐसा करता हूँ, देखिए मेरी बात समझना। ए डॉट बी यहाँ से मिल रहा है, फिर बी डॉट सी यहाँ से मिल रहा है और सी डॉट ए यहाँ से मिल रहा है। यानी इसको अरेंज करना पड़ेगा सी डॉट ए की फॉर्म में। सी डॉट ए निकालने पर फोकस करना पड़ेगा। उसको उधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। -1 इधर था, उसको उधर ले लो, वो ऐसा हो जाएगा। तीनों चीज़ें मिल गई। तीनों को ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होकर राइट हैंड में कुछ मिलेगा। आराम से कर लेता हूँ, देखिए जरा समझना। ऊपर की चीज़ रब कर रहा हूँ, ठीक है। काम की चीज़ें जो है सिर्फ उतनी बचाता हूँ, देखना जरा। सिर्फ ये जो काम की चीज़ें ऐसा करता हूँ वही रखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सॉरी, आपने नोट किया था कि नहीं किया था वो नोट कर लेना, ठीक है। उसको थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ उसे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बचा हुआ है। जो मैंने कहा वो काम कर लो। ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड तीनों की वही है जो हमें चाहिए थे, रिक्वायर्ड है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही आ गए। ए डॉट बी फर्स्ट का प्लस बी डॉट सी सेकेंड का प्लस सी डॉट ए थर्ड का। जब ये ऐड होंगे तो -1 इस -1 के साथ और इस -1 के साथ तीनों ऐड होंगे, -3 आ जाएगा। यहाँ से ऐड होते समय -b डॉट ए है तो माइनस का b वेक्टर डॉट a वेक्टर और इसका माइनस का c वेक्टर डॉट b वेक्टर और इसका माइनस का a वेक्टर डॉट c वेक्टर आपस में ऐड होगा, ठीक है। हाँ, तो ये तो काम हो गया आसानी से, बहुत आसानी से काम हो गया, ठीक है ना, बहुत आसानी से। देखिए हमें निकालना था ये चीज़ ना। आप देखेंगे ये भी वही चीज़ दोबारा से बन गई। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में बची थी ना वो दोबारा से बन गई। यानी कि ए डॉट बी है, वहाँ बी डॉट ए है। बी डॉट ए माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। लिख देता हूँ चलिए आपके एक लाइन यूज़ करके। -b डॉट ए जब इधर आएगा तो प्लस का b डॉट ए होगा। और आप जान भी रहे हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, b डॉट ए डॉट बी, एक काम ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम सी हो रही थी। b वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये था तो क्वेश्चन अच्छा है फिर दोस्तों हिसाब से, क्योंकि वो वहाँ पर ना b डॉट सी था, उसका b डॉट सी जो भाई है वो यहाँ है, माइनस का वो इधर आके प्लस हो जाएगा, c डॉट b हो जाएगा, एक ही चीज़ आप समझ रहे, दोनों कम्यूटेटिव है। प्लस सी डॉट ए यहाँ पर था और वो माइनस ए डॉट सी था, वो इधर आके प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। और यहाँ पर बचा -3। आप देख रहे हैं कि ये चीज़ मिलाकर 2 टाइम्स ए डॉट बी बनाएगी, ये टाइम 2 टाइम्स बी डॉट सी बनाएगी, ये टाइम 2 टाइम्स ए डॉट सी बनाएगी। क्या मिल गया यार? 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये बना। और ये क्वान्टिटी हमें चाहिए, इज इक्वल टू -3 के इक्वल है। अब क्योंकि ये चाहिए तो 2 को नीचे भेज देना। जब 2 नीचे चला जाएगा तो ये कितने के इक्वल आ जाएगी? -3/2 के। ये आपका आंसर है, ठीक है। आराम से देख लो, ठीक है ना, कुछ नहीं है। आप वो स्टूडेंट्स हैं जो 9th और 10th की मैथमेटिक्स पढ़ कर आए हैं, जहाँ पर ज्योमेट्री रखती थी। ज्योमेट्री में कितने उलटफेर होते हैं वो आप ही जानते हैं, ठीक है ना। जानते हैं ना कैसे कैसे इधर उधर चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये तो कुछ भी नहीं है उन चीज़ों के सामने। और आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं पहली बात, ठीक है ना। कुछ नहीं, आप स्टोरी समझ गए होंगे, ठीक है ना। समझ गए बात को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है कि घुमा फिरा के हर कोई कर ही लेगा इसे, ठीक है ना। बस एक छोटे से आइडिया की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो मैंने आपको भी दिया कि ऐसा आइडिया लगा सकते हैं आप। बाकी किसी को कुछ और मेथड से लग रहा हो तो कर लेना ट्राई, उससे भी मतलब जैसे भी करो। मुझे जो फर्स्टली लगा मैंने वो किया, ठीक है ना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। इफ इधर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बट द कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इफ इधर वेक्टर 0 देन ए डॉट बट द कन्वर्ट्स। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन भी ठीक है वैसे। ये कह रहे हैं ना if either a vector is equal to 0 or b vector is equal to 0, then a vector dot b vector is equal to 0, but converse is not need to be true. ठीक है ना, ऐसा ज़रूरत नहीं है इसकी कि आपका जो converse हो वो true हो. जैसे कि मैं ये कह के कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ ना, कन्वर्स का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे a वेक्टर 0 हो गया, b वेक्टर दोनों में से कोई एक और की कंडीशन है. जैसे आप लोग समझे बात को, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस ऑफ थीटा. मैं कह रहा था पीछे आपको एक चीज बताऊंगा, वो यहीं पर है कॉस थीटा. अब सोचे या की कंडीशन में, सारे ईदर की कंडीशन में, ठीक है. एक बात सुनो, a अगर 0 हो गया गलती से भी कैसे भी करके, तो टर्म सीधे 0 हो जाएगा कि नहीं जाएगा. अब b के लिए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर चलो a 0 नहीं हुआ b 0 हो गया क्योंकि और की कंडीशन है, तो भी ये टर्म 0 हो जाएगा. तो ये कह रहा है या तो a 0 हो गया या फिर b 0 हो गया, तो ये टर्म डेफिनेटली आंसर देगा, देगा बिल्कुल वहां से. लेकिन बोल रहा है कि द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी ट्रू. ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है कि ये इसका कन्वर्स जो है, कन्वर्स मतलब इसका अपोजिट जो है वो भी ट्रू होता है. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये दोनों के जीरो हो जाने से ये होता है, तो ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब कि a डॉट बी कभी किसी ने बोला जीरो, तो आप ये समझने लग जाए कि या तो ये होगा या तो ये होगा. नहीं, ये कह रहा है कि a डॉट बी कभी जीरो हो गया, जैसे कि अगर एक्शन ये था कि a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा तो ये जीरो हो जाता है. अब रिवर्स करो उसको, ये जीरो किसी को दिख रहा है तो ये मत समझ बैठना कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा. थर्ड कंडीशन भी आ सकती थी, वो थीटा की थी. थीटा 90 भी हो सकता था, तभी वो जीरो भी हो सकता था. मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ना ये जीरो हो ना ये जीरो, फिर भी ये जीरो हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है. इसका कन्वर्स यही तो कह रहा है कि ये जीरो होने का मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये जीरो हुआ होगा ये जीरो होगा, इसका मतलब एक और है कि ये भी हो सकता था कि इनके बीच का एंगल 90 हो गया होगा, जबकि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो. ऐसा क्वेश्चन एक्जैक्टली आया था पीछे आपने देखा था. तो ऐसा प्रूव करो कह रहा, तो कोई एग्जाम्पल ले दे. मुझे ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि वैसे कुछ भी, वैसे तो आप उसी की हेल्प ले सकते हो, आपको मैं तरीका बताऊं करने का, वरना तो क्या है मैं कोई एग्जाम्पल सोच समझ के आ जाता और आपको दे देता. लेकिन आप कैसे सोचेंगे बता देता हूँ. मैंने अभी बताया था ना आपको एक चीज कि कुछ भी मान लो जो आपका मन आ रहा, आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, कुछ भी मान लो. मैंने कहा बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका जो मन आएगा मान लेना, 2i क्या प्लस p छोड़ देना एक, और कहीं भी छोड़ देना, k में छोड़ देना, i में छोड़ देना, कहीं भी छोड़ देना. छोड़ दिया हमने, क्यों छोड़ा मैंने, मैं देखूंगा कि ये a डॉट बी जीरो कब हो रहा है, किस p की वैल्यू के लिए ये जीरो हो रहा है. तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा 1 1 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, 1p का p हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो. मैं देखूंगा p इज इक्वल टू -5 के लिए ये जीरो होता है. बस मैं समझ गया, मैं समझ गया मेरे वो आंसर है. ए वेक्टर इज इक्वल टू, वो रफ में कर लेना भले उसे, टीचर को लगेगा कि आप इतने शार्प कैसे हैं, आपने कैसे सोच लिया कि यही दो वेक्टर ऐसा कंस्टिट्यूट करेंगे. लेकिन आपने क्या करा, आपने कुछ भी वैल्यू मान ली पी की. अब आप देखेंगे पी की वो वैल्यू जो आपने निकाली उसके अलावा आप करके देखेंगे हमेशा ये डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, है ना. तो कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, कुछ भी निकाल सकता है कोई, अरे ऐसी ट्रिक से निकालना फटाफट निकल जाएगा. अब आप शो भी मत करना हमने ऐसा किया, अब कोई भी निकाल के देखेगा डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा. अब आप बोल भी लेना, बोलना कि देख लो चेक कर लो इसका मॉडुलस ऑफ ए कितना है, स्क्वायर रूट 3, मॉडुलस ऑफ बी कितना है, आराम से इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 + 25 + 9, 4 + 25 + 29 + 9 38 है ना. तो स्क्वायर रूट 38. आप देखेंगे कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, फिर भी इसका डॉट प्रोडक्ट आप बोलना कर देख लो a डॉट बी जीरो ही आएगा. आप उन्हें करके दिखा देना, करके दिखा देना. आप उन्हें बोलना 2 1 2, -5 1 -5, -5 + 2 कितना हो गया -3, 3 1 3, -3 + 3 0. आप करके दिखा देना, सबके सब ब्लड हो जाएंगे. ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, तो समझ रहे हो आप बात को. आपने वो काम करते हुए नहीं दिखाना, और ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि आप मेरी एग्जाम्पल की बात करिए, कुछ भी ले जा लो, एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और उसकी वैल्यू जो निकलेगी उसको फिर वापस डाल दो. अब ये ए बी डेफिनेटली जीरो ही देंगे डॉट, ये ऐसे करो इसे, और क्या. ठीक है ना, याद मत करके चले जाना कहीं कि ऐसा. मेरे हिसाब से क्वेश्चन वैसे तो कम ही पूछा जाता है ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन, पता तो चले कि स्टूडेंट कैसे कैसे क्या क्या सोचते हैं. ठीक है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है ना कि अभी टाइम भी हो चुका है. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया. ठीक है, 15 to 18 हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज किसकी 10.3 के. ठीक है ना, फिर उसके बाद हमें क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट पर जो बेस्ड एक्सरसाइज होती है उसे स्टूडेंट्स हमने करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अच्छी एक्सरसाइज है, उसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जैसे कि हम बताते ही हैं, वो करा था जैसे कि हमने लास्ट टाइम 10.3 में स्केलर प्रोडक्ट को, वैसे ही मैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा. लेकिन उससे पहले सजेशन दे दूं कि आपको जो मैंने लेक्चर बता रखा है जिसमें मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को बता रखा है, उसमें मैंने कंबाइनली बता रखा है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को, साथ में उनके एप्लीकेशन भी बताए हैं वहीं पर. आई थिंक वो आपका शायद 30 मिनट्स का वो वीडियो लेक्चर है, ठीक है ना, उसे देख लेना, उसे जरूर देखना, जो जो मैं लगा रहा हूँ प्लेलिस्ट में उसी हिसाब से देखते रहना तो बात बनेगी, ठीक है ना, पूरी तरीके से आपको आ जाएगा। अब फिर प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशन के जो पेपर्स होते हैं उनको भी एक बार कंसल्ट करना, ठीक है ना, एक बात यह, और रिविजन मस्ट है वो जरूर करना, ठीक है। पूरा कैलकुलस का पीछे का सारा रिवाइज करते रहो, वरना एग्जाम से 2-3 दिन पहले खोलोगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा फिर, और डिमोरलाइजेशन अलग होगा कि हमें तो ये आता था और अब क्यों नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस टच में बने रहना चीज़ों का, ऐसा नहीं कि आगे ही बढ़ते रहो, पीछे का जरूर ध्यान देना। मैं जरूर आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा ध्यान आगे को रहेगा कि आगे क्या कराना है, लेकिन आपका ध्यान पीछे रहना चाहिए कि मैंने क्या करा दिया है, ठीक है ना। दूसरी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं कि उन्हें अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स कैसे मिलेंगे या वो चाहते हैं कि उन्हें मिले, तो उन्हें जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर देना चाहिए, और जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस कर देना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसमें बेल आइकन है, लेकिन बेल आइकन आप तब तक नहीं प्रेस कर सकते जब तक आप सब्सक्राइब ना करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के, जो आपको मिल सकते हैं, जो आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।